उत्तरी पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, हम लोग पूरे देश में आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्या कोई जानता है कि कोई महिला आरएसएस से संबंधित हो और नेतृत्व कर रही हो? ऐसा कहीं भी नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो दाएं और बाएं महिलाएं दिखेंगी, लेकिन अगर आप मोहन भागवत की तस्वीर देखेंगे तो आपको वो अकेले ही दिखाई देंगे, उनके चारों तरफ केवल पुरुष ही होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो हम जीएसटी की संरचना में बदलाव लाएंगे और इसे काफी सरल बना देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इस बात का संतुलन रखा गया है कि महिला और पुरुषों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं आए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।